मैं हूं आपके साथ जहांआरा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबर पर। मधेपुरा जिला के दुर्गांव पंचायत क्षेत्र अंतर्गत दरहरा वार्ड संख्या 7 में आजादी को लेकर अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सड़क की मांग को लेकर दरहरा वार्ड संख्या 7 के ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बार यदि वोट मांगने आएंगे तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जब इस मामले की जानकारी मन्नत समाचार के बिहार स्टेट हेड MD मोनजीर को मिली तो वहां जाकर ग्रामीणों का दुख दर्द सुना। वहीं ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर अपना दुख दर्द जाहिर किया। देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। नमस्कार, मैं हूं मोनजीर, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। मैं बिहार स्टेट प्रभारी, इस वक्त हम मधेपुरा जिला के दुर्गांव पंचायत धरहर वार्ड नंबर 7 में स्थित हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि जल जमाव की समस्या है। काफ़ी गरीब ग्रामीण लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पानी में कब से कैसे चल रहे हैं, कैसे आप लोग का जीवन यापन हो रहा है। क्या परेशानी आप सबका? परेशानी है जो पानी जितना है ना ज़्यादा हो गया, घर द्वार सारे डूब रहा है, हम लोग कहाँ रहने वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? सरजू मंडल है। क्या चाहते हैं आप बिहार के मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी से? रास्ता पैरा चाहिए, सड़क चाहिए। सड़क की हाँ। पानी में कैसे हवस कैसे लग रहा है पानी? पानी तो अभी डूब रहे हैं, हम लोग का तो डूबने का सड़क पैरा नहीं है तो हम लोग डूब रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार, पिता श्री सदानंद मंडल, ग्राम पोस्ट धुरगोट, थाना प्लस, जिला मधेपुरा, वार्ड नंबर 7, टोला दरहर। पानी में है, पानी कैसा लग रहा है? पानी में आने जाने में कैसा लग रहा है? आप देख सकते हैं कि सर हम लोग कितना परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत कठिनाई हो रहा है, हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने मधेपुरा DM प्लस हमारे बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि सर ऐसा प्रतिनिधि को दोबारा मौका नहीं दिया जाए। ये लोग सर वोट लेकर के तो चला जाते हैं लेकिन विकास के टाइम में गंगा बहा देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना परेशानी से हम लोग कठिनाई से चल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जय भीम। मैं अरविंद कुमार ऋषि उर्फ निक्कू, भारतीय मुसहर परिवार, जिला इकाई ग्रुप मधेपुरा के जिला प्रवक्ता पद पर बुले वाला पानी जाए देवी। क्या समस्या? समस्या छे अगवर पिछवर पानी भरल छे, बाल बच्चा बीमार पड़े छे, ले जाननाय कठिन छे, माल जाल लोग बेच को दिक्कत छे। तब देखै छियै ने सड़क पेरा नहि छै, सड़क पेरा देखियो तो उचका आदमी रहती है, सड़क पेरा नहि दै छै। अबरी हम लोग वोट नहि देबै कोनो ककरे। क्या समस्या आप लोग? सड़क नहीं छे, पेरा नहीं छे, पानी में टपक जाय छे, बैठे अपन पानी में टपक के लटिन जाय छे। मुखिया सरपंच कोई नहीं सुनवा करे छे, नहीं वार्ड सदस्य सुनवा करे छे, ककरो कोई नहीं देखे छे। हमरा के कुछ हो जाए दिक्कत होय छे, दिक्कत होय छे, टपक जाय छे, पानी में टपक जाय छे, करे छे। हां चाचा, हमरा के सड़क होना चाहिए। सड़क की मांग करते हैं? हां सड़क के मांग करते हैं, कुछ नहीं मांग करते हैं। सूचना दिए तो उन्होंने कोई इस पर आश्वासन नहीं दिया। आज अभी जैसे आगे में पंचायत चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, जो भी प्रतिनिधि ग्राम पंचायत धुर्गों के जो है वो कह रहा है कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, इतना किए, उतना किए, लेकिन जो भी मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और जिला परिषद जो भी है, कुछ कार्य नहीं दिखाया है। आज गाँव में जो अगर कोई बीमार हो जाता है तो भर छाती पानी में पार करके हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग केंद्र तक जाना पड़ता है। और इतनी बड़ी समस्या है कि जो विभिन्न तरह से चारों तरफ पानी पड़ा हुआ है, हम लोग को आने जाने के लिए कोई रास्ता सही नहीं है। और जब मैं चाह रहा हूँ कि इस न्यूज़ मीडिया लाइव के माध्यम से हमारे जितने भी पदाधिकारी महोदय सुन रहे हैं, मैं सबों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपको अगर थोड़ा सा भी अगर शर्म हया हो तो इस पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायत धुरमो वार्ड नंबर 7 गरीब दलित बस्ती में सड़क निर्माण कर सही रास्ता दिलाने का कार्य करेंगे, नहीं तो हम लोगों ने वोट का खुले यहाँ बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे।
नाम हुआ वेदानंद मंडल। कौन सा पंचायत है? दुर्गो पंचायत है, वार्ड नंबर 7 महादलित बस्ती है। क्या समस्या आपका? समस्या हम लोग को बहुत कठिनाई झेलने पड़ रहा है। क्या चीज में कठिनाई झेलना पड़ रहा है? सड़क नहीं है हम लोग को, रास्ता नहीं है, सरकार से मांग करता है, पैसा वैसा करके बहला देता है, सही से काम हम लोग को नहीं हो रहा है। देखिए बहुत छाती भी पानी है इसमें, न सरपंच न मुखिया न जिला परिषद कोई सुनवाई नहीं लेता है। यहाँ पर यादव का बस्ती है, यादव मनमानी जितना अफसर है सबको क्या कहते हैं पैसा दे करके घपलाबाजी कर करके हम लोग को सुनवाई नहीं लेता है। इसलिए हम लोग नीतीश जी को यह कहना चाहते हैं कि हम लोग को सबसे पहले कहता है जो कहीं सड़क पर बाकी नहीं हुआ है, नहीं है, हाँ हर जगह पूरा हो गया है सड़क पर, लेकिन यह करके देखिए महादलित के बस्ती वार्ड नंबर 7 में कितना कठिनाई झेलने के लिए पड़ रहा है। हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है। क्या मांग करते हैं सरकार? सड़क मांग कर रहे हैं, सड़क सबसे पहले सड़क चाहिए, नहीं तो हम लोग अब की बार वोट को बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। क्या समस्या आपका? मेरा नाम दीपक कुमार, ग्राम पंचायत जोर से बोलिए ना, खेलिए ना रे। हां ए महेंद्र भाई जी, आने जाने का ए महेंद्र भाई, कठिनाई इस महादलित बस्ती में आने जाने का रास्ता नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सड़क, हम लोग सड़क चाहिए, आजादी से ही सड़क नहीं आज तक नहीं बना है। जाना जी, हाँ क्या करेंगे, इतना कठिनाई है कि जब से हम लोगों का जन्म हुआ लगभग हम लोगों को 65 वर्ष हो चुका है, फिर भी आज तक इस सड़क के माध्यम में इस समाज और मुखिया समिति सरपंच कोई नहीं इसको देख सका, और देख भी रहे हैं तो कोई इस पर निगरानी नहीं दे रहा है, और कह रहा है कि यार सरकार सड़क नहीं है इसलिए इस मुसहरी में सड़क नहीं होनी चाहिए। सड़क नहीं दिया आप लोग, पानी में अभी जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भर साथी पानी में हम लोग डाल रहे हैं। ठीक, तो क्या मांग करते हैं सरकार? हम लोगों के लिए सड़क चाहिए, सड़क सड़क की मांग करते। जी हाँ, क्या परेशानी है? परेशानी यही कि मेरा नाम शिवशंकर दास है, मैं वार्ड नंबर 11 से धुर्गो पंचायत से बिलोंग करता हूँ। यहाँ परेशानी यही है कि वार्ड नंबर 7 में कोई रास्ता नहीं है, जिला पदाधिकारी के पास गए थे हम लोग, उनके बाद भी वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं बार बार कि वो प्राइवेट में रास्ता बनाओ, प्राइवेट में रास्ता, सरकारी जमीन में नहीं बनती है, इसलिए यहाँ रास्ता की बहुत ज़रूरत है। और देखिए पानी कितना चारों बगल है, इसमें कोई आदमी जाते हैं और बाथरूम की बहुत दिक्कत होती है, इसलिए जिला पदाधिकारी को चाहिए कि यहाँ सारी व्यवस्था की जाए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। कौन सा पंचायत है? ये दुर्गा पंचायत है, ये वार्ड नंबर 7 है। बोलिए जितना ही आता है। क्या पानी लगा हुआ है? कैसे वैसे ही सब आप लोग आगमन करते हैं? अच्छा आवा ना जी, तू बता की समस्या बहुत है, रहते अब हफ्ते अभी पानी भी चलाया है हम लोग, तो जैसे बहुत समस्या हो गया है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग करते हैं सड़क, मांग करते हैं सड़क की मांग करते हैं। हां ना तू चला होते तू है। क्या समस्या? समस्या ये है कि हमको नाम है तुझे संग से। हां जोर से बोलिए, थोड़ा ज्यादा खराब, जोर से बोलो, जोर से बोलना चाहिए। इसमें समस्या है से देखिए सड़क के मांग किए जाए, चारों पास पानी उन्हें लगे हुए हैं, बहुत बहुत समस्या, बहुत अति हो रही है, कठिनाई हो रही है, कठिनाई चल रही है। हम लोग चाहते हैं सड़क बन जाना चाहिए, इसको इसको सब कुछ बन जाना चाहिए। कठिन मेरा नाम सोनाली कुमारी है, जय भीम, मैं मधेपुरा जिला जिला इकाई गुरु मधेपुरा दुर्गो पंचायत वार्ड नंबर 7 से बोल रही हूँ, और ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अगर ये वीडियो को देखते होंगे तो इस वीडियो को देख करके और हम लोग को कठिन परिस्थान को देखते हुए हम लोग को क्या कहते हैं सड़क का सुविधा नहीं मिल रहा है, और आप तो बोल रहे हैं सर कि लैट्रिन बाथरूम गली गली इंदिरा आवास हर एक योजना दिए हैं, मगर हम लोग के लिए अभी एक रास्ता तक नहीं मिला। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रास्ता चाहिए, नहीं तो हम सब मिलकर वोट को बहिष्कार करेंगे।
आप लोग रोड वर्षाली मामी वोट का बहिष्कार कर दीजिएगा। हाँ करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अच्छा बताइए पानी में कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? कैसे बहुत कठिन से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, पानी में जाते आते हैं बाल बच्चे और बीमार भी जाता है। आप देख रहे हैं अभी कितना पानी है, इस पानी में कैसे पेशेंट को लेकर के जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र? रास्ते में बच्चे और क्या नाम है आपका? क्या समस्या आप लोग? हम सबको रोड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, रोड चाहिए। तो बताइए पानी में कैसे हवा चलते फिरते हैं? हम सब बहुत कठिनाई से चलते हैं। मुखिया सरपंच लेकर के मर गए, मर गए नीतीश कुमार, मर गए और के समय में यहाँ जिंदा होते हैं। इसको नई दलील पहुंचा में आते हैं वोट मांगने के लिए। बाथरूम सर का दिक्कत है, देख रहे पानी लगा हुआ। पानी में कैसे आप लोग आते जाते हैं? मर जाएगा सर, यही होगा जो धिया पुता जो कहाँ पर ले जाएगा वो कट ठकान नहीं कंधा पर बोझ कर नहीं तो ही है। मुखिया सरपंच सदस्य कोई सुनवाई नहीं, लोग क्या करें? क्या मांग करते हैं नीतीश कुमार? क्या मांग करते हैं? सड़क चाहिए हम लोग को, रास्ता रास्ता को, इंदिरा आवास नहीं हुआ कुछ भी हमारा कुटुम्ब नहीं हुआ। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम सब कुछ दिए हैं अपना, खास करके हरिजन बस्ती में। हरिजन बस्ती में जहाँ दिया वहीं दिया, यही बस्ती में नहीं दिया सात वार्ड में। क्या नाम है आपका? साफो देव। कौन सा वार्ड है? सात वार्ड है, सात वार्ड के पचवासी हम वार्ड सदस्य था। वो भी दरखास्त देते मोड़ गया तब भी तक नहीं हुआ, जबकि डीएम को। क्या नाम है? शक्ति देवी। क्या चाहते हैं आप लोग? सब देख रहे पानी बहुत लगा हुआ है। हम लोग इतने चाहते हैं हम लोग को सड़क चाहिए और बच्चा को पैखाना लेटरिन लगता है, कब गोदी के लेकर जाते हैं, जाते जाते रास्ते में कपड़े में पैखाना कर देते हैं, कहीं जाने का अवकाश में बारी झारी भी डूबा हुआ है। साथ नीचे योजना के तहत तो नीतीश कुमार हरेक घर में लेटरिन नहीं, नीतीश कुमार जो किया खूब किया लेकिन उदिया तो देखा कहाँ चेक किया? चेक करता तब न जो हम पैसा कहाँ को दिया है, जो कौन काम हुआ नहीं हुआ, पैसा तो दिया लेकिन उसका काम नहीं ना हुआ, जो कहाँ दिया नहीं दिया, वो पैसा जितना दिया उतना चेक करता ना, जो हम इतना पैसा लिए हैं कहाँ हुआ है कहाँ नहीं है, घूम कर देखिए बस्ती में कहाँ कहाँ मकान है, कहाँ कहाँ लैट्रिन है, कहाँ कहाँ कौन चीज है, हर चीज के दिक्कत हम लोग। आज कनिया एक दिन नया कनिया वहाँ से यहाँ तक पैदल गए हैं रास्ते के लिए। कौन सा पंचायत है? अभी जो हम लोग कठिनाई से जूझ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कह रहे हैं कि विकास का गंगा बहा रहे हैं लेकिन हम लोगों को तो गंगा में डूबना पड़ रहा है। हमको हम लोगों को साथ में निश्चय योजना का कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला है, नली गली और वगैरह कुछ नहीं मिला है। अभी तक हम लोगों का सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, जो कि सीओ सीआई एसडीओ वीडियो जिला पदाधिकारी सब आदमी चेक करके चले जाते हैं, हम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि सर आप कह रहे हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, लेकिन आप कहां सुशासन की सरकार चला रही है, तो आपके सामने में कुशासन की सरकार चल रही है। सरकार जी मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि यदि आप सुशासन का सरकार चलाते हैं तो हम लोगों का सुनवाई काहे नहीं हो रहा है अभी तक। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। क्या नाम है आपका? रूपेश कुमार। कौन सा पंचायत है? दुर्गा पटेल वार्ड नंबर 7। क्या समस्या आप लोग? सड़क की समस्या सर, यहाँ पे आने जाने में इतना तकलीफ होता है कि हम लोगों को इतना कठिनाई झेलना पड़ता है कि बाथरूम लेटरिन यहाँ तक कि हर एक चीज़ का सुविधा बंद है हम लोगों का। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब की बार वोट इलेक्शन के समय हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे।